पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। श्रीमंत, आप आदरणीय हैं, हमारे अतिथि हैं, किंतु इससे आपको हमारे परिवार पर तलवार उठाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। हमारे परिवार पर केवल शत्रु वार करते हैं और जो वार करता है वो शत्रु है। अहिल्या पुत्रवधु बाद में, पहले हमारी बेटी है, बच्ची है, मानते हैं ना? फिर ये चूक कैसे हो गई श्रीमंत? हमारे मालवा की छोटी रानी पर तलवार उठाकर अपन योग्य नहीं कहला, माफी मांगी। माफी तो मांगनी पड़ेगी। मान्य है, भावनेच्या भरात आवेश में आकर ये हुआ हमसे। और इस बात का हमें खेद है। परंतु अहिल्या जी ने अभी जो जो बातें कही, क्या वो सब बातें अपमान करने या क्रोध दिलाने के लिए काफी नहीं है? ये सब न्याय संगत था? अहिल्या, माफी मांगो। श्रीमंत, मैं आपका अपमान करना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती थी कि हम लोग स्थितियों को अच्छे से समझ रहे हैं और मेरा पक्ष रखने के लिए मुझे कुछ कहना पड़ा जो शायद आपको अपमानजनक लगा होगा, या मुझसे कोई भूल चूक हुई होगी, तो मैं सच्चे दिल से आपसे माफी चाहती हूं। मुझे माफ कर दीजिए। चलो, ये अच्छा हुआ कि आप दोनों ने एक दूसरे के लिए माफी मांग ली। और हम चाहते हैं कि ये विषय यहीं खत्म हो जाए, ठीक श्रीमान? अहिल्या, श्रीमान एक प्रस्ताव लेकर आए हैं, मित्र बताए हैं, शुभचिंतक बनकर आए हैं। मित्र और शुभचिंतक तलवार उठाकर प्रस्ताव नहीं लाते। क्यों उठी थी वो तलवार, ये भी जरा सोचिए। वो तलवार ही क्या,
जो योद्धा के काबू में ना रहे और चार शब्द सुनकर म्यान से बाहर निकल आए और योद्धा अपना धैर्य खो बैठे और उन पर उठ जाए जिन्हें योद्धा ने कुछ देर पहले ही अपना कहा था। बस शांत हो जाओ अब दोनों। देखो अहिल्या, हम होलकर हैं पर इस बार हमारे वजूद पर सवाल उठ गया है। बरसों से मेहनत करके खून पसीना बहाकर जो हमने अर्जित किया है वो हम छोड़ नहीं सकते। हम हमारा नुकसान सह लेंगे लेकिन मालवा का नहीं। उसके लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना। होना कदम तो उठाना ही पड़ेगा बाबा साहेब, लेकिन वफादारी की कीमत पर कभी नहीं। नहीं बाबा साहेब, नहीं। बाबा साहेब, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूं तो आप मुझे बताइए और हो सके तो मुझे माफ भी कर दीजिए। आप मालवा के राजा हैं बाबा साहेब, इस गद्दी के सर्वे सर्वा। आपको ये निर्णय लेने का पूरा अधिकार है और मुझे पूरा यकीन है कि आप गलत का साथ कभी नहीं देंगे। लेकिन अगर आपका निर्णय श्रीमंत राघुबा के पक्ष में है तो मुझे माफ कर दीजिए बाबा साहेब, लेकिन मैं आपके निर्णय में आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। अब इस सब के बाद क्या होगा आपका विचार, आपका जवाब? क्योंकि मालवा पे अभी भी संकट के बादल तो है। शांत अब आज आराम करें, हम अहिल्या से बात करेंगे। क्या है उसके बिना कोई भी फैसला लेना मुश्किल होगा। तो कुछ आदित्य की व्यवस्था करें। जी। श्रीमंत, होलकर वाड़े में अतिथि को तलवार उठाना शोभा नहीं देता। परंपरा कहती है कि अतिथि देवो भव, और परंपरा का हम मनपूर्वक आदर करते हैं। आइए गुंगवा। बड़ी गलती कर दी
अहिल्याबाई होलकर जी मोठी चूक केलीत और इतनी बड़ी गलती को हम क्षमा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।